ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि उपवास के दौरान कॉफ़ी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए, मैं अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो मैं खास करके नवरात्रि के लिए कह रहा हूँ, पर कभी भी किसी भी उपवास के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माँ के भक्तों ने नवरात्रि की तैयारियाँ अच्छी सी की हुई और सब लोग नवरात्रि मना रहे हैं। ये 9 दिन लोग न केवल शक्ति की आराधना करते हैं बल्कि उपवास भी रखते हैं। आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि उपवास के दौरान उनका सेवन करना चाहिए या नहीं। ऐसी एक चीज़ है कॉफ़ी। यूं तो भारत में लोग चाय ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यंग जनरेशन में कॉफ़ी का काफ़ी क्रेज है। सवाल यह है कि क्या उपवास के दौरान कॉफ़ी पीना सही है? इसका सीधा उत्तर जो है, इसका उत्तर सीधा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उपवास के दौरान केवल चाय पी जा सकती है, वहीं कॉफ़ी वाले अपनी दलील देते हैं। जानकारों का कहना है कि धार्मिक किताबों में इस तरह के कोई स्पष्ट नियम तो लिखे नहीं हैं। ये नियम तो लोगों ने अपनी सुविधा से बनाए हैं। यहाँ बात शरीर की शुद्धि की है, तो ऐसे में यदि कोई खुद को चाय या कॉफ़ी से दूर रखता है तो अच्छी बात है। वहीं खुद को एक्टिव रखने के लिए यदि कोई इनका सेवन करता है तो उसे भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वर्षों से नवरात्रि के उपवास करने वाले कई परिवारों में चाय और कॉफ़ी के साथ ही अन्य तरल पदार्थ जैसे छाछ, जूस आदि का सेवन का चलन है। हाँ, ये लोग बाजार में मिलने वाले पैक्स्ड या फिर प्रोसेस्ड बेवरेजेस से खुद को दूर रखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी की। एक धड़ ऐसा भी है कि कॉफ़ी में चाय की तुलना में अधिक कैफीन होता है, इसलिए चाय पी जा सकती है, लेकिन कॉफ़ी नुकसानदायक है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।